सरकार ने विकलांग पेंशन योजना बनाई ताकि विकलांगों का जीवन यापन हो सके, परंतु दिल दहला देने वाली ये खबर मऊ जनपद के नौलपुर ग्राम रतोई की है। इस गांव के निवासी अवधेश 20 वर्ष से विकलांग हैं, जबकि पत्नी जन्म से अंधी हैं, लेकिन इन दोनों को विकलांग पेंशन आज तक नहीं बना, जिसके कारण अवधेश को अपनी पत्नी और 3 वर्षीय बेटे का पेट भीख मांगकर भरना पड़ता है। हाँ, मांगे ला भीख, जिसने हम बाणी उसने हमारी औरत हैं, दोनों जन के बीच में एक बालक है। तो कैसे आप जियाई खेला? मांग करके तब भीख भवन मांग के किसी तरह बाल बच्चे का पोषण पालन करते हैं। सुबह में 5:30 बजे निकलने लगे, शहर बाजार में घूमते हैं, दिन भर कहीं घूमते हैं, शाम तक अपने मड़ई में आ जाते हैं। ट्रेन पर आप चढ़ी तो क्या करो, डर लगा भाई बोल लगा? डर भाई रहेला, गाड़ी खड़ी हो जाए तो वह गेट के सहारा अपन टोवर टोवर जब गेट पाते हैं तो चढ़ते हैं। ट्रेन में चढ़ी ना, सब पैसा दे लगा आपके? नहीं, अरे माना 100 आदमी बा, और जो 100 आदमी ट्रेन में देवे लगे तब तो हमारे बहुत पैसा हो जाता। कोई 1 रुपया दे देगा, 2 रुपया दे देगा, नहीं था एक बोगी में मुश्किल से 2 रुपया हो जाओ, वही ढेर। तो क्यों आपके डांटू दे लगा? डांटू दला, बहुत सा आदमी बहुत कुछ कह देते हैं, कोई कहता है कि ढोम रहता है, कोई कहता है कुछ कहता है, लेकिन अपन इस हालत में मानिए तो भाई अब मजबूरी अपन कुल सहे के पड़ेला। विकलांग पेंशन नहीं बना है, काहे ना बना? प्रधान जी से भी कह लें, दोबारा भी प्रयास कर लें, लेकिन ना उठो पाओ। 100% कागज पत्र है हमारे, हम चाहते हैं कि पेंशन हमारे हो जाए। इससे क्या फायदा हुई आपके? फायदा ये हुई कि मानिए राशन कार्ड हमारे बा वो मिलेगा तो मानिए 130 रुपया हर महीने में हमारा लगता है, वोकर तो आधार हो जाएगा, एगो बच्चा है उसको भी पढ़ाई लिखाएंगे। तो आप आग से विकलांग हैं? कितना साल से हैं? बचपने से हैं। बचपने से? कैसे आपका रोजी रोटी चलेला? हमारा रोजी रोटी चलेला, मर्द दिन भर भीख मांगे निशा जी को चलेला। तो वो कहाँ हूँ, विकलांग के हम का? वो विकलांग के हम। आपका लड़का को बना जा? एक गो। तो क्या परेशानी होले आपके? अब हमके ये परेशानी होला कि मान ली कि मंगियन तो खाई बना, मंगियन तो उपासे हम सूती जाई, जब तबियत ठीक रही तो मंगियन, ना तबियत ठीक रही तो के ना मंगियन, तो क्योंकि माया लगी तो लड़का के दे ना, माया लगी ना दे। का परेशानी बटे आपके जो पेंशन लिखे मिला था? पेंशन नहीं मिला तो हमके हर चीज़ के परेशानी बा भाई, एगो लड़का भाई के दुख बीमार होता तो दवाइये नहीं खेल पाओ, तो मर्दे के दुख होई तो दवाइये ना हो पाई, हमके दुख होई तो सुतले रहो, जब पैसा ना रही तो दवाई कहाँ से हुई। अच्छा, आप के उसे कहले रहनी जा दिन जाना पेंशन खाती? हाँ, प्रधान जी से कहले रहनी जा, प्रधान से कहन जा कि हमके कुछ ना खी दे तक कम से कम हमके पेंशन बनवा दे कि तने मन की एको आदमी के पेंशन मिले। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को विकलांग पेंशन बन सके ताकि इनकी आर्थिक मदद हो सके। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूँ कि इसमें आप हमारी मदद करें। समाज कल्याण अधिकारी के मोबाइल नंबर पर फोन करके दबाव बनाएं ताकि इनका पेंशन बन सके। इनका मोबाइल नंबर है 94-54-46-46-40। मैं सत्येंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से, इंडिया अनहट के लिए।